Hey, how's it going, everyone? My name is Maripa and welcome back, everyone, to my second channel. So, guys, यार मुझे इंस्टाग्राम की मीम्स का बहुत ज्यादा शौक चढ़ चुका है यार। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई। आई थिंक मेरे पिछले दो तीन वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की मीम्स के ऊपर है। तुम लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है गाइस, एंड मैं तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। तुम लोग एक्चुअली इंजॉय कर रहे हो इस चीज को। सो गाइस, आज दोबारा से मिस्टर फलाना जी ने मुझे बहुत सारी मीम्स भेजी है भाई, एंड हम लोग उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। एंड इस वीडियो का लाइक हम रखते 30,000 लाइक्स। एंड भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? मैं देख रहा हूँ तुम में से लाइक 95% लोग सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे जो मुझे देखते हैं। भाई सब्सक्राइब करो यार एंड Enjoy this video, man. All right, तो सबसे पहली मीम आज भाई कितना क्यूट है। नाइस ट्राई। देखो गाइस, जब हम लोग ऐसे वैलोरेंट या कोई और गेम खेलते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब लाइक ऐसे बहुत ज्यादा ट्राई करके लाइक जीत नहीं पाते, लास्ट में हार जाते, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाइस ट्राई। इसीलिए भाई इस बंदे के लिए भी नाइस ट्राई यार, नाइस ट्राई ब्रो। बहुत ज्यादा कोशिश करी इसने भागने की, पर क्या कर सकते, भाग नहीं पाया। ऑलराइट, आई जस्ट वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिवाली लाइक दिस। कैसे भैया, गाड़ी में जा रहे हैं दो बंदे। यू व्हाट? अरे भाई साहब, भाई ऐसे कौन सेलिब्रेट करता दिवाली यार। सीरियसली भाई, इन लोगों ने क्या किया, रॉकेट्स को टेढ़ा रख के सीधा फोड़ दिया इन लोगों के ऊपर यार। नहीं नहीं भाई, ये तो जानलेवा है भाई, ये जानलेवा चीज है, ऐसी हरकतें मैं नहीं करनी चाहिए। मतलब थोड़ा तो ध्यान दो। अरे पर यार, किसी के आंख में लग जाता, किसी की आंख फूट जाती है, तो फिर मतलब क्या ही फायदा फिर दिवाली सेलिब्रेट करके यार। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेस इज द सेफेस्ट प्लेस। ओ बिल्ला, देखो चूहा, देखो भाई। यो व्हाट द हेल भाई साहब, क्या दिमाग लगाया चूहे ने। मतलब भाई वहीं पे खड़ा है, मतलब ये वही बात होगी कि आई थिंक मैंने किसी एक मूवी में देखा था जहाँ पे किसी गुंडे को किडनैप किया, ठीक है ना, हीरो ने, एंड उसको उसी के घर के अंदर रखा हुआ था। तो पुलिस उसको पूरे के पूरे शहर में ढूंढ रही है, बट गुंडे को उसी के घर के अंदर कैप्चर करके रखा हुआ है। देखो भाई बिल्ला, अभी चूहा देखो, ओ माई गॉड, भाई ये बिल्ली ना देखती रह गई। अरे परे, पर चूहा वहीं छुपा हुआ भाई, कितना मस्त है भाई ये। और चूहे को पता है भाई, ये कंफ्यूज हो जाएगी लिटरली। भाई साहब, हैट्स ऑफ टू यू चूहा जी, तू बहुत ब्रेव है भाई, मान गया मैं तेरे को यार। हाँ भाई, कहाँ है? यू नो नो, आज आई लव यू। नहीं, आई हेट यू, जाओ यहाँ से। अरे क्यों? पर अरे पर नहीं ना, पर आई लव यू ना। अरे जाना बुरी गत की नहीं प्यार। अरे प्लीज ना, आई लव यू। अरे क्या, चल मैं तुमको आईफोन दिला दूंगी। कौन सा, कौन सा चाहिए? नहीं कोई चाहिए। नहीं, अरे कौन हो आप, जाओ ऐसा ही तो होता है ना भाई, है ना। अरे आप बोल रहे हो, अभी 11 प्रो दिला दूंगा। अरे मैं जो भी हूँ, प्लीज ना ले लो। अरे प्लीज ना, इधर मत करो ना। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तुम ही चाहिए। अरे नहीं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ड्रीम बॉय का सपना है ये है ड्रीम बॉय का सपना, कि वो रास्ते में जाए और उसको हर एक मिनट में ऐसा हो, उसको लड़की है और बोले मैं आपसे प्यार करती हूँ, एंड भाई भाई आप ही चाहिए मेरे को। और फिर सच बताऊं तो ये सभी का सपना है यार, सभी बॉयज का सपना है ये। रहा नहीं जाता। शनिवार को भोपाल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जब कुछ चोर एक इंजीनियर के घर में चोरी करने घुसे। गहने चुराने के बाद जब चोरों की नजर अलमारी में रखी इंजीनियर की सैलरी स्लिप पर पड़ी, चोर इतने भावुक हो गए कि उन्होंने जो पैसे डॉक्टर के घर से चोरी किए थे वो भी इंजीनियर की अलमारी में छोड़े। चोरों ने साथ में एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें लिखा था, मेरे भाई मुझे माफ कर, हम खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और दूसरे इंजीनियर की आर्थिक स्थिति को अच्छे से समझते हैं, ये कुछ पैसे गहने हैं तुम्हारे काम आएंगे। फॉक्सी सलाम करता है ऐसे चोरों। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब कम्युनिटी वाले के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, है ना काम यार गाइस। आई लाइक इट, हालांकि फेक थी स्टोरी, बट आई लाइक इट मैन। ओके, आई थिंक इसको यहाँ पर टैटू बनाया जा रहा है इसके हाथ में। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। भाई इस बंदे का रिएक्शन देखो लास्ट में, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा गाइस। आज ही के दिन आई थिंक मैं किसी से बात कर रहा था अपने दोस्त से, और आज ही के दिन मैं बोल रहा था कि भाई मेरे को ना टैटूज बनाने का शौक है, मुझे टैटूज बनाना है। पर भाई ये चीज देख के ना भाई मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि अगर गलती से भी परमानेंट टैटू हुआ भाई, छप गए इसकी बॉडी में परमानेंटली। वो भी इतना बदसूरत घोड़ा है यार। ऑल राइट, काओ लैंग्वेज, ठीक है। पेप्सी पी रहा है। काओ लैंग्वेज क्या है भाई इसमें, काओ लैंग्वेज क्या है, मुझे सुना तू भाई एक बारी। व्हाट? ओ ये पेप्सी के बाद वाली डकारे तो नहीं मार रहा है, मेरे को लग तो वही रहा है कि शायद से ये पेप्सी वाली डकारे मार रहा है। व्हाट? सारी काओ आ भी गई।
वेट, डोंट टेल मी कि काउस भी बोलने वाली है। यो भाई साहब कितना रियल था यार, पर ये रियल नहीं गाय जो को मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ गाय की आवाज निकाल के, ठीक है ना भाई। तुम लोग मतलब यार तुम लोगों ने क्या समझा भाई स्वाड़ी भाई को? देखो अगर ये कुछ इस टाइप की आवाज निकालता है ना तो भी को रियल लगती है। देखो बाय द वे मैं ही निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। कैसा लगा? इस चीज के लिए एक लाइक तो बनता है भाई। गाय से मैं भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैंने एक व्लॉग बनाया था बहुत पहले, अपलोड नहीं किया, मैं तुम लोगों को वाली क्लिप दिखा देता हूँ अभी, ठीक है ना भाई। तुम लोग देखो इस क्लिप को। This is my new talent, guys. मैं गाय की आवाज भी निकाल सकता हूँ। आगे चल के करना क्या? आगे चल के सोचे नहीं है, सोचेंगे फ्यूचर में। सोचे नहीं है, 12th क्लास का एग्जाम दे रहे, सोचे नहीं आगे क्या करना है। सोच लिए भाई, करना क्या है भाई। हेलो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। सबसे अमीर क्या करिए। अरे यार नेट क्यों नहीं चल रहा मेरा भाई, हद हो गया यार। ये बफर हो रहा बीच में, मजा नहीं आता मीम्स के। खूब पैसा कमाएंगे। रुक जा, थोड़ा पीछे देखते हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। दुनिया का सबसे अमीर क्या करिएगा कि अमीर बन जाए? खूब पैसा कमाएंगे। कैसे? ड्रग्स माफिया। वाह भाई वाह। ओ भाई पर एक बात है यार, ये पैबलो एस्कोबार है ना, अच्छा बबलू है उसका नाम, बबलू एस्कोबार रखा है। पर भाई जो ये पैबलो एस्कोबार था, तुम लोग ना भाई सर्च करना इसके बारे में, तुम लोग अमेज हो जाओगे। मतलब मैं इसकी तारीफ तो क्या ही करूँ, मर गया बंदा तो ये वाला। बट द मेन थिंग इज भाई साहब, तुम लोगों को बताए ये बंदा, मैं तुम लोग ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग फिर इस फालतू की फील्ड में चले जाओ, बिल्कुल मत जाना भाई इस फील्ड में। बट एक फैक्ट बता रहा हूँ, इस बंदे की एक दिन की इनकम पता कितनी थी उस टाइम पे, लाइक 1975 के आसपास, 400 करोड़ दिन के, साढ़े चार सौ करोड़ दिन के कमाता था एक दिन के। कैन यू इमेजिन, सोचो 10 दिन के अंदर 4,500 करोड़ कैश, नॉट लाइक मैं वो नेटवर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, इतना पैसा कमाते थे ये लोग। दैट्स व्हाई ये बंदा चाहता है वो करना काम, और सबसे अमीर बन भी सकता है बट यू नो, गलत काम करोगे भाई तो एक दिन जब कर्मा लौट के आएगा तो ऐसा चांटा मारेगा कि भाई सब हेकड़े निकल जाएगी एक बार में। इसीलिए भाई गलत काम मत करो, अच्छे काम करो, भगवान का नाम लो और अच्छे काम करो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, एक सेकंड रुको। What the hell? छी भाई, मेरी शक्ल भी ऐसी बन रही है भाई सच में। Oh my God! तुम लोगों को भाई यकीन करना पड़ेगा। अभी मेरी बॉडी ना कांप गई ऐसे करके, पूरी बॉडी में कैसे झंझनाहट सी आ गई ये चीज देखकर कि देखो ये पहले क्या है, ये तेल में कुछ फ्राई कर रहा है और उसके बाद डायरेक्ट पेस्ट्री। भाई मेरे को खाना खाना था इसके बाद, यार मैं रात के कितने 9:30 रिकॉर्ड करो, मेरे को खाना खाना था यार। छी भाई मेरा पूरा का पूरा मूड ऑफ हो गया खाना खाने का सच में। अरे क्या है ये भाई, ऐसा कौन रहने दो भाई, बस मैं नहीं बात कर रहा इस बारे में भाई, मेरे को भूलना है इस चीज को भाई, क्या देख लिया मैंने ये। ही शुड पुट हर इन मेड स्कूल। इसका पापा बेचारा बेहोश पड़ा हुआ है, देखते बच्ची करती क्या है। लेट्स सी कि बच्ची क्या, मेरे को वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी, कॉपीराइट लग जाए बस, बाकी तो देखते हैं भाई। ओके बच्ची ने पापा जी को टेढ़ा कर दिया है, पापा को उठा तो रही, कोशिश तो पूरी कर रहे भाई। What the hell भाई, ये क्या, that was unexpected bro. nice one भाई सही बोला यार, he should put her in med school भाई, medical school में डाल दो ये बच्ची है। सारे पेरेंट्स पेशेंट्स को मतलब तू लगे मान लो कोई कोमा में पड़ा हुआ है ना भाई, ये ऐसा करेगी एंड देन वो जग जाएगा, मजाक नहीं कर रहा मैं। तो आज से मच्छर कभी भी मत मारना, क्योंकि क्यों? मच्छर रहता वो हमेशा खून पीता है, और वो खून किसका है, आपका है, और जिसके अंदर जिसका खून रहता है वो उसी का बेटा रहता है। तो मच्छर इनडायरेक्टली किसका बेटा हुआ, आपका हुआ। तो अभी तक आप बाप बन के घूम रहे थे, क्या आपको पता था? हे भगवान भाई, मैंने मतलब कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मतलब स्टार्टिंग में मान गया था जिसने वाला मच्छर मत मारा, मुझे लगा कोई तो लॉजिकल बात बोलने वाला है यार, हम बाप बन के हुए पता ही नहीं है भाई, हम बाप बन के घूम रहे हैं यार तब से लेकर, इतने सालों से लेकर मच्छर मारे जा रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है यार, बड़ा दुख हो रहा है भाई। वेयर इज माई मम्मा, डार्क मीम वेरी डार्क मीम। सल्लू भाई को पता चलेगा हम ऐसी वीडियोज बनाते हैं भाई, घर में घुस के भाई फुटपाथ बना देंगे हमारे घर को ये। All right. कितना क्यूट है बच्चा।
क्या हो रहा है, ये लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे आपस में ये? कितना क्यूट है ये बच्चा, ओ माय गॉड भाई साहब, ओ माय गॉड भाई, कोई मेरे साथ इस तरीके से लड़ेगा मैं तो भाई पहले ही गिर जाऊंगा, बोलेगा तू ही मार दे मेरे को भाई, रहने दे बाकी यार, इतना क्यूट है बच्चा यार। मोदी जी एक सवाल पूछूं? आप पूछो ना रोनाल्डो भाई। एक और एक दो होता है तो दो और दो कितना होगा? दो और दो चार होगा ना भाई। नहीं मोदी जी, दो और दो पांच होगा। कैसे? गलती से। यार भाई तुम लोग देख रहे हो आजकल टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई ब्रो, आई एम टेलिंग यू, आवाज सुनो यार भाई, दो कितना होगा? साहा भाई बिल्कुल सेम लग रही है आवाज, दो और दो चार होगा ना भाई, चार होगा ना भाई, कैसे होगा गलती से भाई? भाई साहब टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच चुकी है, एकदम रियलिस्टिक आवाजें निकाल रहे ब्रो, आई एम सो अमेज्ड यार सीरियसली। दूसरी खबर, भीड़ लगी हुई है, बहुत ही खतरनाक रिपोर्टर। ओके आपके पति नहीं है? नहीं। इनके पति मर चुके हैं, किस गांव में है? पति है, पति है। बड़िहारी कहाँ पड़ता है ये? बड़िहारी बिलरियागंज, बिलरियागंज में पड़ता है। आपको सता रहा है कोई? हाँ। उसका नाम बताइए। बदन। बदन आगे? बदन राजभर। बदन राजभर, उनका लड़का है। बदन राजभर और उसके लड़के अशोक है, इनको पहचान कर रहे हैं। आंसु, आपके बच्चे को मारपीट करके उठा ले गए घर से, उठा ले गए? ओहो, उठा ले गए भाई, लगभग 15-20 दिन हो गया। पर रिपोर्टर का तो गुस्सा क्यों आ रहा है? तो गांव क्या कर रहा है? गांव सर भाई डेंजर, तो ही जोड़ का देश है ना, तब हो गया सर। एक औरत को बच्चे को अपहरण कर लिया गया, गुंडे किया जा रहा है, और पूरा गांव अगर शांत है तो ये मुर्दों का राष्ट्र है कि नहीं है? आप केवल इस वीडियो को शेयर करिए, उसके तक खबर पहुंच जाएगी, या सीएम तक ये खबर पहुंचेगा क्या हो रहा है। What the hell, भाई? हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। और मुझे क्यों नहीं आ जाती है भाई? ये राजीव तलवार मर क्यों नहीं जाता है भाई? इस लड़की का ना घर वाले को उठा दिया, यही हंसने लग चुके भाई गॉड यार इस रिपोर्टर के ऊपर। व्हाट, राजीव आजमगढ़ देखो हंस रही है, हंस रही है। भाई रिपोर्टिंग करनी तो ऐसे करो ना भाई, एकदम गुस्से में आकर एकदम जोश के साथ। भाई इतना गुस्सा इस लड़की को भी नहीं आ रहा जितना इस रिपोर्टर को आ चुका है अब इस खबर को सुनकर, समझ रहे तुम लोग यार? मतलब दिल से काम करा लौंडा भाई अपना। ओ माय गॉड यार भाई, डरा दिया उसने मेरे को, सच बता रहा हूं मैं। बिल्ला बेचारा यार, ये बहुत क्यूट मीम है यार। बिल्ले को, बिल्ले को गुस्सा आ गया भाई, तेरी इतनी मजाल, तूने बिल्ले को तंग किया है भाई? देखो ऐसा भाई, तुम लोग जिस किसी इंसान को तंग कर लो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, बट बिल्ले को किसी ने तंग किया ना मेरे सामने भैया, उसको मैं काट के रख दूंगा, ठीक है? बिल्ले बहुत पसंद है मेरे को भाई, बिल्लों के साथ छेड़खानी नॉट अलाउड मैन। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एक युवक रोज रोज नई गर्लफ्रेंड बनाता था इस उम्मीद से कि उसको धोखा मिले फिर वो यूपीएससी की तैयारी कर सके। ऐसा करते-करते युवक की 22 गर्लफ्रेंड बन चुकी है। दरअसल युवक का सपना था आईएएस बनने का, मगर इसके लिए उसे कुछ खास मोटिवेशन मिल नहीं रहा था, जिसके बाद युवक के दोस्तों ने बताया कि अगर वो प्यार में धोखा खाएगा तो वो पूरे मन से यूपीएससी की तैयारी कर पाएगा। धोखा खाने के चक्कर में युवक ने गर्लफ्रेंड बनाई, मगर उसकी गर्लफ्रेंड इतनी लॉयल निकली कि वो सपने में भी युवक को धोखा नहीं दे सकती थी। जिसके बाद धोखा खाने की उम्मीद में युवक ने एक और गर्लफ्रेंड बनाई और एक बार फिर वैसा ही हुआ, और यह सिलसिला आज भी चल रहा है जब युवक की कुल 22 गर्लफ्रेंड बन चुकी है। प्रॉक्सी सूत्रों की माने तो एक गर्लफ्रेंड को तो युवक खुद धोखा दे चुका है, जो कि आज आईएएस है। इस वीडियो का ट्विस्ट यही था भाई, ये बहुत अच्छा ट्विस्ट था, लड़का नहीं बन पाए इस बार लड़की बन गए भाई। एंड ऑफ कोर्स गाइस, डोंट शेयर दिस वीडियो टू ड्रीम बॉय, ठीक है ना भाई? वो बंदा पागल हो जाएगा और फिर वो बंदा आईएएस का बहाना बनाकर 22 गर्लफ्रेंड पटा देगा, देख लो तुम लोग, बता रहा हूँ मैं। ऑलराइट गर्ल्स, मैम ये मुझे परेशान कर रही है, लिखने नहीं दे रही है, बॉयज सर ये हिला रहा है, तो इसमें गलत क्या है भाई? आई मीन वेट, हाँ जैसे मान जैसे मैं कई बार गाइस अपने लाइक यूजुअली भी मैं अपने क्लास में लिख रहा होता था, कोई बंदा मुझे पीछे ऐसे धक्के मार रहे होते, हिला रहे होते ऐसे करके ना, तो वेट साले फलाड़ा जी ऐसी डबल मीनिंग मीम भेजता है, तेरी पकौड़े इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं गाली मानी, तेरी ऐसी की तैसी पकौड़े, तू मुझे डबल मीनिंग मीम मत भेजा कर, मना किया था मैंने तेरे को। एक्चुअली पहचान ही नहीं पाया यार भाई साहब,
हटाओ इसको यार भाई यहाँ से। सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना भाई, लाइक मारो, सब्सक्राइब जरूर करो भाई। बहुत धासु धासु वीडियो इस चैनल पे मैं डालने वाला हूँ। एंड क्या गाइस, मिलते हैं तुम लोगों के साथ धासु नेक्स्ट वीडियो में। गाइस तब तक स्टे ऑसम मैन, बाय बाय।